और ऐसे मीडिया में मैं देखता हूँ कि प्रतिदिन जो आप कह रहे हैं, प्रतिदिन ऐसे विषय आते हैं कि ऑक्सीजन घट गया, लेकिन ऑक्सीजन तो सब जगह पहुँच रहा है। कि यदि किसी हॉस्पिटल ने जो सरकार ने रेट तय किया है उससे अधिक पैसा यदि लेता है तो सिविल सर्जन को तुरंत बताएं, वहां से अविलंब कार्रवाई हो। देखिए, मैं ये अपील करना चाहूंगा कि हम कोरोना के मरीज होने से बचें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। एक बार फिर से पूरे देश और बिहार में जो कोरोना के संक्रमण है वो तेजी से फैलते जा रहा है। अब बिहार के सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल की बात कर ले तो लगातार वहाँ पर जो मरीज है उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इस वक्त हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। सर, पूरे बिहार के अगर निजी अस्पताल या सरकारी अस्पतालों की बात कर लिया जाए तो वहाँ पर जो मरीज़ हैं उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऐसे में कई मरीजों की मृत्यु भी हो जा रही है। ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से चूंकि मरीजों की संख्या बहुत बड़ी है तो बड़े अस्पताल जो हैं जहाँ पर विशिष्ट प्रकार की चिकित्सा सेवा है वहाँ कभी कभी कठिनाई जानकारी में आ रही है। लेकिन अभी भी हमारे जो CCC हैं, DCSC हैं, वहाँ बड़ी संख्या में बेड अवेलेबल हैं, लेकिन मरीज सीधे बड़े अस्पतालों की तरफ रश कर रहे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन होगा कि इस बीमारी में जिस तरह का सिम्टम है और जितने जैसी इलाज की ज़रूरत है उसी तरह के सेंटर्स पर जाएँ, और इसके लिए हम लोगों से विज्ञापन भी निकाल रहे हैं। बहुत लोग हैं जो होम क्वारंटाइन में रह के दवाइयाँ लेके ठीक हो सकते हैं, कुछ लोग हैं जिनको CCC या DCSC में जाने का ज़रूरत होगा, जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, वो हमारे केंद्र पर आएँ, उनको वहाँ सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जिन मरीजों की स्थिति कहीं गंभीर हो गई है तो वो बड़े अस्पतालों में आएँ, और आप देख रहे होंगे कि सभी अस्पतालों में इलाज भी चल रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे होंगे कि पूरे देश में एक दिन में 3.5 लाख से अधिक मरीज आ रहे हैं, अपने राज्य के अंदर भी 12,000-13,000 के बीच में प्रतिदिन मरीज आ रहे हैं। तो ये जो मरीजों की अचानक एक बीमारी के अंदर मरीजों की जो अचानक वृद्धि हुई है उसके कारण स्वाभाविक कठिनाई और परेशानी हम सब लोगों के सामने आई है। फिर भी उन परेशानियों को, उन चुनौतियों को हम सब लोग सामना कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ, पूरे उपलब्ध संसाधनों के साथ लोगों की सेवा करने की चेष्टा कर रहे हैं। पटना के निजी अस्पतालों की बात करें तो अधिकतर निजी अस्पतालों में साफ तौर पे मरीजों के परिजन को कह दिया जा रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप अपने मरीज को यहाँ से दूसरे जगह लेकर जाएं। नहीं, लगातार जिला अधिकारी और पूरा जिला प्रशासन प्रतिदिन हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहा है, ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है। और ऐसे मीडिया में मैं देखता हूँ कि प्रतिदिन जो आप कह रहे हैं, प्रतिदिन ऐसे विषय आते हैं कि ऑक्सीजन घट गया, लेकिन ऑक्सीजन तो सब जगह पहुँच रहा है। तो पैनिक नहीं होना है, धैर्य रखना है, और हमारा जो जिला प्रशासन है पूरी मुस्तैदी से दिन रात मेहनत कर रहे हैं लोग, और जिस अस्पताल में जितने बेड हैं उसके अनुसार कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, सब जगह हम पहुंचवा भी रहे हैं कि ऑक्सीजन सब जगह पहुंचता रहे। निजी अस्पताल जो हैं वो मरीजों से मनमाना जो पैसा है वो वसूल रहे हैं। अगर हम राजधानी पटना के कई निजी अस्पतालों की बात कर लिया जाए तो एक एक पेशेंट का एक एक दिन में 80,000 रुपए लिए जा रहे हैं। यदि किसी भी एक मरीज के साथ ऐसा लिया गया है तो आप उसकी जानकारी मुझे भी दें, और हम लोग तो अखबार में बड़ा विज्ञापन निकाल रहे हैं कि यदि किसी हॉस्पिटल ने जो सरकार ने रेट तय किया है उससे अधिक पैसा यदि लेता है तो सिविल सर्जन को तुरंत बताएं, वहां से अविलंब कार्रवाई होगी। क्या लगता है सर कि जिस तरह से पिछले 5-6 दिनों की बात कर ले बिहार में जो मामले हैं उसमें लगातार इजाफा ही हो रहा है, नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया था कुछ दिनों पहले पर उसका जो असर है वो नहीं दिखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए, जो भी प्रयास करने हैं वो सब प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी नाइट कर्फ्यू लगाया है, और आप एक चीज़ देखिए, पिछले 4-5 दिनों में एक स्टैटिक आके 12-13 हज़ार के बीच में केसेस रुक गए हैं, नहीं तो पहले बड़ी तेज़ी से बढ़े और 12-13 हज़ार के बीच में पहुँचे हैं। तो हर चीज़ पर नज़दीकी नज़र हम लोग रख रहे हैं और हर चीज़ का विश्लेषण हो रहा है, आवश्यकता अनुसार जो होगा वो निर्णय करेंगे। बिहार वासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इस जो सिचुएशन है अभी पूरे बिहार की उस बीच में? देखिए, मैं ये अपील करना चाहूँगा कि हम कोरोना के मरीज होने से बचें। इसके लिए जो उपाय करने हैं उन उपायों को हर व्यक्ति करे। यदि हर व्यक्ति वो प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से
ये जो बढ़ती हुई संख्या है हम उसको रोकने में सफल हो पाएंगे। हमको मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलें जब तक कि बहुत आवश्यक नहीं हो। जिसको टीका लेना है वो टीका जाके अपने सेंटर पर लें। भीड़ कहीं एक जगह नहीं लगाएं। अभी शादी ब्याह का मौसम है तो शादी ब्याह के मौसम में भी मेरा निवेदन होगा कि कम से कम लोग ऐसे आयोजनों में रहें और दूरी बना के रहें और इन सब चीज़ों का पालन करें ताकि हम कोरोना के मरीज होने से बचें। तो ये थे हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार हर वह संभव कार्य कर रही है जिससे मरीजों को दिक्कत ना हो। और उन्होंने साफ तौर पे यह भी कहा है कि जिस तरह से राजधानी पटना के निजी अस्पताल मरीजों से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं, ऐसे पे उन्होंने कहा है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं शिवम, लाइव सिटीज़ पटना।